बाबा मम्मी आप रोज रात को क्यों आती है 2-2 बजे? पता है कितना खतरा है? जानती हूँ बेटा, लेकिन तुझे देखे बगैर रहा नहीं जाता और कुछ भी नहीं किया जाता। लेकिन आप तारा मौसी से क्यों छिपके मिलती हो? मुझे सारा दिन गिल्टी फील होता है। अच्छी बात नहीं है ये। जानती हूँ मैं, मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है अपने ही घर में चोर की तरह छिपके आना। जब इतना फील करती है तो ऐसा करती क्यों है? और मुझे भी फोर्स करती है कि मैं उनसे कुछ ना कहूँ। मुझे लगता है कि शायद तारा मुझे एक्सेप्ट ना करे। वाह तारा, क्या बात है, बहुत खुशी हुई तेरी बातें सुनकर। तारा वो बहुत ऊंचा दर्जा दिया है तूने हमारी दोस्ती को। तारा तूने हमारी सारी बातें सुन ली? शुक्र है सुन तो ली, वरना पता नहीं कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता। तारा मैं सिर्फ बाबा से मिलना चाहती थी। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें उसे सौंप चुकी हूँ, मुझे कोई हक नहीं है। आई एम सॉरी। अगर मैं, मुझे माफ कर। एक बात बता, जो कुछ तूने मुझे कहा उसके लिए तू अपने आप को कब तक कसूरवार ठहराती रहेगी? वो सब तूने क्यों कहा ये तेरे जाते ही मेरी समझ में आ गया था। आरजू मैं तुझे इतनी अच्छी तरह जानती हूँ, तो क्या इतनी सी बात नहीं समझ पाऊंगी? तारा वो आरजू तू एकदम पागल है। इस तरह छुप छुप के बाबा से मिलेगी तो मेरे जज्बातों को हर्ट नहीं करेगी? क्या जरूरत है ऐसा करने की? तारा मैंने सोचा कि तू मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे आसपास के लोगों में यही तो प्रॉब्लम है। सब सोचते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैं भी तो उनकी दोस्त हूँ। अगर तू एक बात मुझे कहती है और जानती है मेरे पे उसका क्या असर होगा, तो क्या मैं नहीं जानती कि तेरी बातों में छुपा हुआ मतलब क्या है? तारा मुझे और शर्मिंदा मत कर। अच्छा चल छोड़, बता तू कैसी है? बस ठीक ही हूँ। हमारे जैसे लोगों की जो जिंदगी होती है, हर वक्त मुश्किलें, टेंशन्स, लेकिन एक मिशन है, वो तो पूरा ही करना होगा ना। तू इस तरह रात को यहाँ आती है, ये ठीक नहीं है। जानती हूँ, हम जैसे लोग जिनका मकसद केवल बदला लेना होता है, उन्हें अपना दिल और डर घर पे छोड़ के आना चाहिए। लेकिन मैं अपने दिल के बगैर रह नहीं सकती। मैं इसलिए बार बार यहाँ आ जाती हूँ। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन हम भी तो तुझे इस तरह खो नहीं सकते, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तू हमें प्यार करती है। क्या करूं तारा, मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी का कल आएगा या नहीं, इसलिए वो आए ना आए मुझे ये सकून तो होगा कि मैं आज तुमसे मिली हूँ। आरज़ू तू कितनी अच्छी है, कितना पॉजिटिव सोचती है। तुझे जरूर कामयाबी मिलेगी। मैं और बाबा तेरे साथ हैं हर तरह से। मैं जानती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मकरन से मिलना है, कल फिर आऊंगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय। अच्छा बाबा, अपना ध्यान रखना।